कारवां टीवी हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल कारवां टीवी में। जैसा कि गांव में होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, प्रत्याशी अपने जोर आजमाइश में लग चुके हैं, इसी को लेकर हमारा कारवां चल पड़ा है गांव की ओर। और आज हमारा कारवां पहुंचा है तहसील नवाबगंज के ब्लॉक भतपुरा के गाँव ज्यो जागीर में, जहाँ हम बात करेंगे मनीष राठौर से, जो 70,000 रुपए की नौकरी छोड़कर गाँव वालों की सेवा करने ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये नौजवान है मनीष राठौर, जो कुछ समय पहले दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब किया करते थे, जिनकी हर महीने की तनख्वाह थी 70,000 रुपए, जो अब उस नौकरी को छोड़कर अपने गांव वापस लौट आए हैं। अब चाहे इसको अपने गाँव वालों का दर्द समझिए या राजनीति का जुनून, कारवां टीवी की टीम ने जब मनीष कुमार से बात की कि आपने इतनी महंगी जॉब क्यों छोड़ दी, तब मनीष राठौर ने जवाब दिया, मैं दिल्ली में रहकर जॉब करता था, लेकिन जब अपने गांव आता था तब मुझे अपने गांव का हाल देखकर बड़ी पीड़ा होती थी कि दुनिया में बदलाव के बाद भी मेरा गांव आज भी विकास से पिछड़ा हुआ है। और वह गांव का मुखिया बनने को अब हर रोज देर रात तक लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हैं। उनका कहना है कि वह गाँव की बदहाली को देखकर ही लोगों की जीवन शैली में बदलाव के लिए खुद ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है सर? सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है अमल मनीष राठौर, सनाब श्री मेवाराम राठौर। और कौन सा गांव है ये? ग्राम पंचायत जो जागीर है, जो कि नवाबगंज तहसील में लगती है, विकास खंड भदपुरा। मनीष जी, जानना चाहेंगे, आप एक बहुत ही खूबसूरत नौकरी को छोड़कर आए हैं, ऐशो आराम छोड़कर आए हैं, एक राजधानी में आप रहा करते थे, उसमें जॉब किया करते थे, अच्छे पद पे थे आप, ऐसी क्या वजह रही जो आप वहाँ पे रिजाइन देकर, नौकरी को रिजाइन देकर और गांव की राजनीति में आप प्रवेश कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, क्या वजह रही? मैंने सोचा कि मैं तो स्वयं अपने आप में स्टैंड हो चुका हूँ, लेकिन मेरे युवा साथी कुछ ऐसे हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो कि मैंने देखा है काफ़ी 10 साल से मैं इन सब चीज़ों को नोटिस करते आ रहा हूँ। और जो चुनाव के आते हुए समय इन लोगों का मिसयूज़ करके अपना राजनीति का फंडा अपना करके 5 साल तक राज कर लेते हैं, उसके बाद हमारे कुछ ऐसे समाज हैं जो बैकवर्ड एरिया में हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनके बारे में कोई भी इनका मतलब रुचि नहीं है इन लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि इन सभी लोगों के लिए मैं एक ऐसा काम करूँ, इनका स्वतः एक रोज़गार के बारे में सोचूँ, जो इनके कच्चे घर मकान हैं, गलियाँ हैं, इनको सुधार दूँ और ये अपने आप में सक्षम बन जाएं। मैंने अपने आप में स्टैंड अपने आप को कर लिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये समाज के लोग भी बाकी जो हैं वो सुधर जाएँ और ये भी थोड़ा सा ग्रो करें, इनकी गरीबी थोड़ी सी दूर हो। और मैंने देखा है कि आज की जनरेशन के हिसाब से कि हर गांव में पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, लेकिन इस समय आज भी हमारे गांव में 80-90% गलियां जो खड़ंजे हैं, जो 20 वर्ष पहले हुआ करते थे, वो आज भी हमारे गांव में। मुझे दुख होता है जब भी मैं अपने गांव में लोगों से मुलाकात करता हूं, लोगों से संपर्क में आता हूं, बातचीत करता हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज भी हमारा गाँव ऐसा कच्चा बना हुआ है जो नहीं होना चाहिए। मैं उस बदलाव के चक्कर में लगा हुआ हूँ कि इसको मैं बदल के रहूँगा और हर सूरत में मैं हर तरीके से अपना प्रयास कर रहा हूँ और समाज भी अपने साथ है, समाज भी ये चाह रहा है कि इसको बदलाव को होना चाहिए। मनीष जी, ये भी जानना चाहेंगे, आप बीजेपी विधायक मानिक केसर सिंह जी के बहुत करीबी हैं। जी हाँ। और आगे अगर आप इस जनता आपको प्यार देती है, आपको यहाँ का ग्राम प्रधान बनाती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता इस गांव के लिए क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि गांव में जो मेरे हिसाब से आज भी हमारे यहाँ 20-30% लगभग कच्चे घर हैं, मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं उन सभी घरों को पक्का बनवाऊँगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये है कि जो हमारे गांव की जो आज 70% गलियां कच्ची हैं, मैं उनको पक्का करवाऊंगा, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है।
तीसरी प्राथमिकता ये है कि मैं युवा समाज का, युवा पीढ़ी का व्यक्ति हूँ। मैं अपनी युवा पीढ़ी के जो भी हमारे मेंबर्स हैं, मैं एक गांव में मार्केट बनाना चाहता हूँ और उस मार्केट के ज़रिए हमारे युवा समाज को एक रोज़गार मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनके जो बुज़ुर्ग लोग हैं घर में, उनकी भी देख रेख अच्छी होगी और वो खुशहाल रहेंगे, ऑब्वियसली सी बात। ये मेरी तीसरी प्राथमिकता। चौथी प्राथमिकता ये है कि मैं अपने गांव में एक शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करवाऊं, और शिक्षा बैंकिंग दोनों ये टफ हैं। आज अगर शिक्षा की बात करें तो हम और हमारे बच्चे 20 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक की रनिंग करते हैं। हमारे यहाँ से, हमारे गांव से 24 से 30 किलोमीटर समथिंग बरेली पड़ता है, नवाबगंज तहसील है, 22 किलोमीटर है, बच्चे वहाँ जाते हैं। कोई मेडिकल से सुविधा नहीं है, मेडिकल से अगर रिलेटेड कोई इमरजेंसी बात आ जाए तो हमारे यहाँ कोई ऐसा केस हैंडल करने वाला नहीं है कि कोई छोटा सा भी व्यक्ति है वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करे। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेडिकल सुविधा भी मेरे यहाँ अच्छी हो। मैं एक बड़े स्तर की बात तो नहीं कर सकता, मैं छोटे स्तर की बात करूँ तो एक छोटा सा मेडिकल हॉस्पिटल या मेडिकल क्लिनिक, इस तरीके की मैं व्यवस्था करना चाहता हूँ। मार्केट के साथ साथ में बिजनेस पॉइंट भी रखना चाहता हूँ, जो कि बिजनेस पॉइंट होना चाहिए। हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं, आज भी मैं देख रहा हूँ हमारे कश्यप समाज के 80% लड़के हैं वो बाहर रह करके पेट का गुजारा करते हैं, वो अपने बीवी बच्चों को ले जा करके, अपने माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को छोड़ के वो वहाँ पे पेट का गुजारा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बिजनेस पॉइंट ऐसा बनाऊँ कि स्वतः उनका रोजगार यहाँ पे हो। मनीष जी, ये भी जानना चाहेंगे, आप तो ऐशो आराम में रहे हैं जी, जब आप गांव में आते हैं जी, तो आपके गांव में जो हमने आज झुग्गी झोपड़ियां देखी, टूटे फूटे मकान देखे जी, इसको देखकर कभी आपको पीड़ा होती है? मुझे, मैं इस पीड़ा का दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ, और जो पीड़ा मैंने देखी है लोगों की, उस पीड़ा को देखकर ही मुझे इतना दर्द हुआ है कि उस दर्द को सहना शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे बस में है, अन्यथा मेरे पास शहर में भी घर है, शहर में भी मेरी जमीन है। क्या आपने गांव में लोगों की सेवा के लिए 70,000 रुपए की जॉब छोड़ दी है? जी। क्या रिजाइन दे दिया? जी, मैं किस लिए दे दिया? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, जो कि मेरा 72,000 समथिंग मेरा वेतन है, ठीक है। मैंने अपने गांव के और ग्राम मतलब ग्राम में जो भी लोग हैं उनकी समाज सेवा के लिए मैंने वो रिजाइन इसलिए देना बेहतर समझा कि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। हर व्यक्ति पैसा कमा लेता है, लेकिन समाज में अपनी पहचान और एक समाज सेवा एक अलग ही चीज़ होती है। मुझे लगता है कि मैं अगर बड़ा हुआ हूँ तो मैं 4 लोगों को और बड़ा कर सकता हूँ। ये नहीं लगता आपने बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा रिस्क लिया है आपने? ग्राम पंचायत, अभी आप ग्राम पंचायत में प्रधानी के दावेदार बने हैं, जीत अभी आपसे बहुत दूर है, और आप नोएडा में छोड़ के नौकरी, और आप गाँव में सब लोगों के बीच आए हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं अपने लिए, तो क्या है आपको, क्या उम्मीद है? जहाँ तक मैं अगर बात करूँ प्रधान दावेदार की बात, तो ये समाज के ऊपर डिपेंड करता, और समाज ही मुझे लेके आया है। मुझे ना कि प्रधान का कोई लोभ लालच है, ये मेरा समाज भी जानता है, मेरा गांव भी जानता है कि जो व्यक्ति 8,40,000 रुपए का जिसका एनुअल पैकेज है, वो तो प्रधान ने क्या रखा है। प्रधान, एक प्रधानी जीतने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं शासन और प्रशासन से अपने समाज की सेवा कर सकता हूँ मिल करके, क्योंकि मेरा एक दायित्व होगा कि मैं गांव का प्रधान हूँ, और उस दायित्व की वजह से शासन और प्रशासन से दोनों लोगों से काम करा सकता हूँ। इसलिए ये गांव के समाज के लोगों ने चुनना मुझे पसंद किया है, और फिर मैंने इसलिए वो बड़ा कदम उठा लिया है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गांव की आवाम को, जनता को क्या संदेश देंगे? मैं अपने गांव वाले सभी साथियों से, सभी बुजुर्ग पर्सन से, सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि अगर मैंने कदम उठाया है इस समाज सेवा के लिए, तो वो मेरा सहयोग करें हर तरीके से, और जो भी उन लोगों की जो भी उम्मीदें हैं, मैं उस उम्मीदों के सामने खरा उतरूंगा, और हर समय मैं उन लोगों के लिए तैयार रहूंगा, तत्पर रहूंगा, दिन हो रात हो, वो हमेशा मैं उनके लिए तैयार रहूंगा। और मुझे ना कि कोई इनकम ऑफ सोर्सिंग से मतलब है,
ना मुझे किसी पैसे से मतलब है। ठीक है, अब तक आपने गांव वालों के लिए कुछ किया है, थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं अगर देखा जाऊँ तो अपने गांव वाले समाज के लेकर के मैंने अपना समय भी दिया है। बेशक मैं नौकरी वहाँ करता हूँ, लेकिन एक महीने में मैं 10 दिन 12 दिन हमेशा गांव के समाज लोगों को दिया है। लोगों को मेडिकल से रिलेटेड कोई सुविधा होती है इमरजेंसी केसेस में, मेरे पास 2 कारें हैं, 1 कार यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है, 2 बाइकें रहती हैं कि लोगों को इमरजेंसी मेडिकल या हॉस्पिटल कोई भी असुविधा होती है डायरेक्टली मैं उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाऊँ और उनको पहुँचाऊँ। 2 पैसे के लायक अगर मेरी हैसियत है तो मैं 2 पैसे की उनको मदद करता हूँ, जिनको 4 पैसे की ज़रूरत है मैं 4 पैसे की मदद करता हूँ। समाज में, गांव में, हमने शादी पार्टियों में भी दान देना स्टार्ट किया है। लोगों को जो उनके हिसाब से दान दिया जाता है वो भी देना हमने स्टार्ट किया। वो अगर 2 पैसे जहां हमें लगता है 2 पैसे की आर्थिक मदद की ज़रूरत है, 2 पैसे की आर्थिक स्थिति उनकी ठीक की है, 4 पैसे की उनको ज़रूरत है तो 4 पैसे की स्थिति भी ठीक की है। बाकी लोगों के और भी काम है, माननीय विधायक जी के हिसाब से मैंने देखा है कि शासन प्रशासन में दोनों ने उन्होंने मुझे साथ दिया है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि माननीय विधायक जी ने आज तक मुझे तवज्जो दिया है। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ और मुझे उम्मीद भी यही है कि वो भविष्य में भी मेरे साथ बने रहेंगे। और मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ और उसके साथ साथ में उन्होंने मुझे एक बूथ प्रभारी के रूप में भी यहाँ पे काम सौंपा है मेरे गाँव के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, मनीष राठौर ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए पहले गांव में जमीन खरीदी और फिर लगभग 26 लाख की लागत से एक बारात घर भी बनवाया, जिसमें गांव के किसी गरीब की बेटी की अगर शादी होती है तो मनीष राठौर बारात घर की सुविधा के साथ साथ दान दहेज में भी पूरा सहयोग करते हैं। और अगर कोई गरीब बीमार होता है तो उसकी भी वह आर्थिक मदद करते हैं, जिसको लेकर गाँव के लोगों में उनका काफी क्रेज बना हुआ है। उन्होंने गांव के गरीब लोगों की मदद को 1 कार और 2 बाइक भी दे रखी हैं, जिससे लोग अपनी अपनी इमरजेंसी जरूरतों में भी लेकर जाते हैं। अभी तो सही है। कैसा कर रहे हैं? अभी सही है। अच्छा काम कर रहा है। हाँ। अच्छी उम्मीद रखते हैं। हाँ। पहले समय में से। बहुत बढ़िया व्यक्ति है। किस तरीके का काम करा रहे हैं लोगों की? किस तरीके? बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। इस बार वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं ग्राम पंचायत, क्या लग रहा है आपको? वो प्रधान बनेंगे। एक मतलब ये तो विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव के विकास हमारा बिल्कुल पिछला हुआ है, ये बस्ती इधर की है बिल्कुल पिछड़ी हुई है। और अब तक जितने हम लोगों को मतलब समर्थन करते हैं किसी ने इस बस्ती को नहीं देखा। और रही बात मनीष राठौर की, तो पहली बात ये हम लोगों की बहुत सम्मान की चीज़ है, बारात गए इतना बड़ा हमारी बस्ती में दे जाए, जबकि चाहते तो उधर भी जगह थी रोड किनारे उधर भी दे सकते थे। ये हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मान का काम किया है। और बाकी जितनी सेवाएँ लोगों को, अगर आधी रात किसी से जरूरत पड़ी टेलीफोन करा तो हाजिर हो जाते हैं मतलब जो है। और मुझे तो लगता है कि आधे में अकेले रहेंगे बाकी आधे में और सब रहेंगे, ऐसी चुनाव की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। बताइए, जिस तरीके से गांव में चर्चाएं हो रही हैं कि मनीष राठौर जी ने 2 मोटरसाइकिलें गांव वालों के नाम कर दी हैं कि कोई भी आए और ले जाए। नहीं, ऐसा तो नाम तो नहीं किए हैं, लेकिन जैसे जैसे किसी की जरूरत पड़ी, अगर उसने आधी रात कही कि मनीष जी मोटरसाइकिल की जरूरत, हम घर पर हैं या नहीं है, तो बाइक उसके लिए अवेलेबल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ले जाए अपनी जिम्मेदारी पर। कार तो है एक मतलब, लेकिन कार लोग कम ही ड्राइव करते हैं, बाइक लोग ज़्यादा अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं मतलब जो है। तो ये शादी हाल इन्होंने कितना रुपया इसमें लगा दिया है? शादी हाल में तो इसमें देख लो आप, मतलब काफ़ी पैसा लगा हुआ है मतलब जो है। चार्ज वगैरह लेते हैं? नहीं, चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं किसी से, मतलब यहाँ कई कार्यक्रम हो चुके हैं। क्या लग रहा है अपने धुरंधरों के बीच एक नौजवान लड़का आया है, इलेक्शन जीत पाएगा? देखो, राजनीति की सोच लोगों को एक ही, युवा शक्ति को देखना चाहते हैं और ये युवा है और ये बदलाव चाहती है मतलब जो है युवा शक्ति, तो बदलाव होगा, निश्चित होगा, 100% होगा। आपको लग रहा है विजयी जी? बिल्कुल बिल्कुल 100% होगा विजय। अब देखना यह है कि मनीष कुमार को जो जागीर के लोग गांव का मुखिया बनाना पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि युवा ग्रेजुएट मनीष के मैदान में आने से बाकी उम्मीदवारों को झटका तो लगेगा। कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी के साथ नवाबगंज के भतपुरा से शकील अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।